हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टेक टेक एकेडमी में। मैं हूँ शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो एक स्पेशल वीडियो है और कमेंट बॉक्स के ऊपर आधारित है। ऐसे कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी या कोई भी ऐसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक जो है माहौल से जुड़े हुए हैं या शैक्षणिक रोजगार से जुड़े हुए हैं, अगर वो अपना कोई कमेंट के माध्यम से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई बात जो है बिहार शिक्षा विभाग तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसी कड़ी में एक ये वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आपका जो है मगध यूनिवर्सिटी का जो बीएड का फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है उसको लेकर के है। तो इस वीडियो को जो है आप लोग थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंस दीजिएगा ताकि उन शिक्षक अभ्यर्थियों को भी भला हो सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पर, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है तीन अभ्यर्थियों ने जो है कमेंट किया है जो कि जो है टीचर बनने के लिए जो है पात्रता धारित करने वाले हैं सातवें चरण के लिए। माधुरी सिंह है, प्रेरणा सिंह है और पूर्वासा पूर्वासा द पर्सनल ऐसे करके कमेंट बॉक्स में आईडी दी हुई है। तो इन तीन लोगों ने जो है अनुरोध किया है कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि इनकी जो बात है वो शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी तक जो है पहुँचाई जाए। और ये जो बात है ये मगध यूनिवर्सिटी का जो बीएड का जो रिजल्ट है 2019-21 सेशन का फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो कमेंट के माध्यम से इन लोगों ने जो है बात रखी है मेरे सामने और कहा है कि हमारी जो बात है वो जो है ऊपर तक पहुंचाई जाए। तो इनका कमेंट जो सेक्शन है उसको भी यहाँ पे आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा देंगे ताकि आप लोग देख लें कि यहाँ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कहा गया है, अनुरोध किया गया है बिहार शिक्षा मंत्री जी से कि बिहार शिक्षा मंत्री जी थोड़ा इस पर जो है ध्यान दे दें कि मगध यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है बीएड सेशन 2019-21 का जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। तो इसको जो है जल्द जो है प्रकाशित करवाने की जो है कृपा की जाए। हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट है बिहार शिक्षा मंत्री जी से कि इन अभ्यर्थियों का जो है थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और ये रिजल्ट अगर जो है सही समय से प्रकाशित हो जाता है तो जुलाई में या अगस्त के प्रथम सप्ताह में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती सातवें चरण की जो निकलने वाली है ये शिक्षक अभ्यर्थी उसमें जो है बैठ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बिहार शिक्षा मंत्री जी इस वीडियो को देख रहे होंगे और इसका कोई जो है एक्शन लेंगे जरूर या फिर जो है प्रेस रिलीज के माध्यम से कोई ना कोई बात जो है जरूर सामने निकल के आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।